गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा वीडियो है उस वीडियो में हम बात करेंगे बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में, उनके प्रवर्तक के बारे में, और फिर हम बात करेंगे साथ में कि शिक्षण विधियां, जो मुख्य मुख्य शिक्षण विधियां हैं उनको हमने व्हाइट बोर्ड पर लिखने का प्रयास किया है, शिक्षण विधियां और उनके प्रवर्तक। चलिए, क्यों? क्योंकि अब वक्त पढ़ाई का है, एकाग्रता का है, तो हम ज़्यादा समय खराब नहीं करते बात करने में और सीधे चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर और देखते हैं कि बुद्धि के सिद्धांतों के प्रवर्तक कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बुद्धि के एकखंड सिद्धांत की। एकखंड सिद्धांत के प्रवर्तक बिने साइमन हैं। फिर आप देखेंगे द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक स्पीयरमैन है। फिर इन्होंने ही, स्पीयरमैन ने ही द्विखंडीय सिद्धांत में टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो है उसमें संशोधन किया था और तीन खंड का सिद्धांत दिया था, तो तीन खंड का सिद्धांत भी स्पीयरमैन का है। फिर हम बात करते हैं मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में, तो मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस जो थ्योरी है वो थॉर्नडाइक महोदय ने दी थी। अब आप देखेंगे साथ में बुद्धि की संरचना का स्ट्रक्चर वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुद्धि की संरचना का सिद्धांत किसने दिया था, तो जे पी गिलफर्ड। अलग से भी आता है गिलफर्ड के बुद्धि सिद्धांत का, तो आप देखेंगे आपको इस पे ध्यान रखना है। फिर यहाँ और यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ बहुकारक सिद्धांत है, यहाँ समूह कारक है, तो समूह कारक जब आ जाए, ग्रुप थ्योरी आ जाए, ग्रुप फैक्टर थ्योरी आ जाए, तो आपको थर्स्टन का नाम लेना है। फिर चलते हम तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत, तो ये दिया था आर बी कैटल ने। फिर आते हम पद अनुक्रमिका सिद्धांत, तो पद अनुक्रम का सिद्धांत दिया था फिलिप बंडर ने। फिर देखेंगे बहुबुद्धि सिद्धांत, ये बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। फिर हम बात करते हैं त्रितत्व की, तो त्रितत्व सिद्धांत दिया है यहाँ पर रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने। बुद्धि का जो पॉस्ट मॉडल है, जो कहीं कहीं हमें मिलता है पर अपने यहाँ मतलब है उस बुद्धि का, तो जे पी दास ने दिया था। फिर हम बात करते हैं, फिर इम्पोर्टेंट एक, मतलब इम्पोर्टेंट सभी हैं लेकिन जो आपको ज़्यादा ध्यान अटेंशन जो आपका लेते हैं, बुद्धि का प्रतिदर्श मॉडल या प्रधानता सूचक मॉडल, तो ये टॉमसन थॉमसन हिंदी में करते हुए हो जाएगा, तो एक ही नाम है ये टॉमसन। बुद्धि का क एवं ख का सिद्धांत ये दिया था हैव मोदे ने। फिर आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत ये दिया था बी एस ब्लूम मोदे ने। चलिए, अब हम बात करते हैं शिक्षण विधियों की और उनके प्रतिपादक की। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट विधियाँ हैं उनको हमने यहाँ पर लिया है। देखिए, जब हम बात करते हैं आगमन विधि की, आगमन मतलब पहले उदाहरण देना और उसके बाद उदाहरण द्वारा जब वो सिद्ध हो जाए तो फिर उसका नियमीकरण करना, नियम बनाना, तो आगमन विधि अरस्तु ने दी थी। फिर निगमन विधि, निगमन न से याद रखेंगे, पहले नियम बता दिया, परिभाषा बता दी और उसके बाद उसके उदाहरण दिए, ये दोनों एक दूसरे की उल्टी हैं, अरस्तु ने दिया है यहाँ पर। फिर देखेंगे, सबको याद है प्रश्नोत्तरी विधि जो है उसको सुकरात विधि के नाम से जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं परियोजना की, हम बात करते हैं प्रोजेक्ट मेथड की, प्रोजेक्ट विधि की, तो प्रोजेक्ट विधि जो है वो किलपैट्रिक मोदे ने दी है। फिर हम बात करते हैं खेल विधि की, जो खेल विधि है वो फ्रॉबेल मोदे ने दी है। फिर मोंटेसी की बात करते हैं क्योंकि नाम इसमें ही समाहित है, आगे हमने मारिया लगाया है, मारिया मोंटेसी। फिर देखेंगे हुरेस्टिक विधि, मतलब खोज विधि, खोज होता है अन्वेषण विधि, आर्म स्ट्रॉन्ग ने दी है। फिर हम बात करते हैं गेरी विधि की, यह एडवर्ड मोदे ने दी है। फिर हम बात करेंगे, हम इस पर एक डिटेल का वीडियो बना चुके हैं, विनेटेका विधि पर, ये दी है कॉल्टन वॉशकर्न ने। फिर देखेंगे ड्रेकाली विधि है, नाम इसी में है, ड्रेकाली ही इसके प्रतिपादक हैं। फिर बात करें हम संवाद विधि की, तो ये सबसे पुरानी विधि है, संवाद विधि प्रश्नोत्तरी से पहले की विधि है। आप देखेंगे संवाद विधि सबसे पुरानी विधि है और ये प्लेटो की है, प्लेटो अरस्तु सुकरात ये एक ही श्रेणी के हैं, तीनों गुरु शिष्य परंपरा है, तो आप देखेंगे संवाद विधि प्लेटो ने दी है। फिर समस्या समाधान विधि पर हम बात करते हैं, समस्या समाधान विधि जो है यदि हम प्राचीन काल की बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की, तो आप यहाँ देखेंगे सुकरात का नाम आता है, थॉमस का नाम आता है, लेकिन आधुनिक युग में इसको पूरी तरह से विकसित कर
स्थापित करने में डीवी का नाम आता है। आपको ये याद रखना है, यदि प्राचीन समय की बात है, यदि उत्पन्न होने की बात है, सृजन होने की बात है, तो नाम आएगा सुकरात का और थॉमस का, और यदि हम आधुनिक युग में इसको प्रतिस्थापित करने की बात आएंगे तो डीवी का। फिर देखेंगे आप, हमने इस पर एक वीडियो अपलोड कर दिया है, ब्रेन स्ट्रॉमिंग मेथड, मस्तिष्क उद्वेलन विधि, ये दिए आजबंड महोदय ने। फिर हम चल रहे हैं यहाँ पर किंडरगार्डन, किंडरगार्डन छोटे बच्चों के लिए, तो आप देखेंगे ये दिए ट्रैवल महोदय ने। मैं आशा करती हूँ कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे और जल्दी से इसे याद कर लेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर किसी अच्छे विषय पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे।